कल तक दिल्ली में 17,386 केस कोरोना के आए टोटल अभी तक, उसमें से 7,846 लोग ठीक होके घर चले गए, 9,142 लोग अभी भी बीमार हैं और 398 लोगों की मौत हो गई है कोरोना की वजह से। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना की वजह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपका मुख्यमंत्री आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे चल रही है। जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा इंतजाम हम आपके इलाज के लिए कर रहे हैं। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि हम परमानेंटली जिंदगी में लॉकडाउन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद करके नहीं रहा जा सकता। आज कोई ये नहीं कह सकता कि 1 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, या 2 महीना लॉकडाउन और कर लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा। कोरोना रहेगा, और अगर कोरोना रहेगा तो कोरोना का इलाज करने का इंतजाम करना पड़ेगा। हमारी पूरी सरकार इस टाइम कोरोना के मरीजों का इलाज करने की तरफ ध्यान दे रही है। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते 2 चीजों पे ही मेरे लिए चिंता होगी। अगर दिल्ली के अंदर कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ने लगा, मेरे लिए चिंता होगी। मेरा पूरी कोशिश है कि कोरोना के मरीज अगर बढ़ भी रहे हैं तो वो ठीक हों और घर चले जाएं, ठीक हों और घर चले जाएं। तो मौत नहीं होनी चाहिए कोरोना की वजह से इसको कम से कम रखने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज, कोरोना की वजह से मान लीजिए 10,000 पेशेंट हो गए और हमारे पास 8,000 बेड हैं, तो मेरे लिए चिंता का विषय है। जब लोग इधर उधर के धक्के खाएंगे बेड के लिए, मेडिकल के लिए, इंतजाम के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, अगर लोगों को धक्के खाने पड़ेंगे तब मेरे लिए चिंता का विषय है। और अगर बेड कम पड़ गए, ऑक्सीजन कम पड़ गई, वेंटिलेटर कम पड़ गए, पीपी किट कम पड़ गए, तो उसकी वजह से मौत भी ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि उनको इंतजाम नहीं मिलेगा। तो इस तरफ हमने पिछले 1 हफ्ते में हमने बेड्स का खूब इंतजाम कर लिया है। आज दिल्ली में 17,386 अभी तक टोटल केस हुए, इनमें से केवल 2100 पेशेंट अस्पतालों में है, बाकी सब घरों के अंदर है। जो भी एक्टिव पेशेंट्स है घरों में है, घरों में इंतजाम कर रहे हैं, घरों में इलाज करा रहे हैं। 2100 पेशेंट अभी अस्पतालों में हैं, और हमारे पास पिछले 1 हफ्ते में हमने इस पे काफी काम किया है, आज की डेट में 6600 बेड कोरोना के, केवल कोरोना के लिए 6600 बेड का इंतजाम कर लिया है। पिछले हफ्ते जब मैं आपसे मिला था 1 हफ्ता पहले, हमारे पास टोटल मिला के 4,500 बेड का इंतजाम था। पिछले 1 हफ्ते में हमने 2100 और बेड का इंतजाम कर लिया, 6600 बेड हैं आज हमारे पास। इन 6600 बेड्स में से केवल 2100 बेड के ऊपर पेशेंट हैं, 4500 बेड खाली पड़े हैं अभी अपने पास। और पिछले हफ्ते हमने ऑर्डर जारी कर दिए, 5 जून तक दिल्ली में 9,500 बेड्स तैयार हो जाएंगे, उनकी तैयारी चल रही है, ऑर्डर जारी कर दिए हैं। कई होटल्स को टेक ओवर कर रहे हैं हम लोग, होटल्स के अंदर बेड बना रहे हैं, वहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाएंगे, अगर जरूरत पड़ी वहां भी ऑक्सीजन देने की, वहां भी ऑक्सीजन देंगे। तो 2100 पेशेंट्स के, केवल 2100 आज पेशेंट्स हैं, 6,500 बेड तैयार हो चुके हैं और 9,500 बेड और 1 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको ब्रेकअप दे देता हूं, दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं इसके अंदर अभी तक हमारे पास 2,500 बेड थे, 5 जून तक 4,600 बेड तैयार हो जाएंगे टोटल। केंद्र सरकार के अभी तक 2,329 बेड थे, ये थोड़े कम हो गए हैं, 2,229 बेड अब केंद्र सरकार के हैं अस्पतालों में। और प्राइवेट में
सबसे ज्यादा डिमांड थी, 677 टोटल अभी तक बेड थे, आज की डेट में 2677 हो गए हैं। 2500 से ज्यादा बेड आज प्राइवेट में अवेलेबल हैं, प्राइवेट अस्पतालों में 2500 से ज्यादा। और 5 जून तक 3677, 3500 बेड प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास हो जाएंगे। अक्सर बहुत सारे लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, कहते जी हमारा मेरे पास तो इंश्योरेंस है, मैं तो प्राइवेट में जाना चाहता हूँ। आपकी मर्जी, आप कहीं भी जाइए, लेकिन आपकी जानकारी लेके बता दूँ, जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के सरकारी अस्पताल भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप सरकारी अस्पतालों में जाएंगे तो आपको अच्छी व्यवस्था मिलेगी। एक चीज आपकी, एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए, 14 मई को दिल्ली में 8500 केस थे, 15 दिन बाद आज 17000 केस हैं, डबल हो गए, 8500 केस बढ़ गए। 14 मई को दिल्ली के अस्पतालों में 1600 मरीज थे, आज 2100 मरीज हैं, 8500 पेशेंट बढ़ गए, लेकिन अस्पताल में केवल 500 मरीज बढ़े। मोटा मोटा मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जितने लोगों को कोरोना हो रहा है, या तो उनको कोई सिम्टम नहीं हो रहा, या उनको इतना मामूली सिम्टम हो रहा है, थोड़ी सी खांसी, थोड़ा सा बुखार, कि अपने घर में इलाज कर रहे हैं, 15 दिन में 8500 केस बढ़े, लेकिन अस्पतालों में केवल 500 केस बढ़े, तो चिंता करने की, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चिंता तो है, कोरोना के केस इतने बढ़ने नहीं चाहिए, हम भी नहीं चाहते, थोड़ा भी बुखार है तो क्यों है, क्यों तकलीफ होनी चाहिए अपने लोगों को। लेकिन अगर कोरोना है तो घबराने की जरूरत नहीं है, मोस्टली लोग, अधिकतर लोग ठीक हो रहे हैं और अपने घर पे ही ठीक हो रहे हैं। एक परेशानी सामने आई थी कि एक तरफ तो हम कहते हैं जी बेड्स का खूब इंतजाम कर लिया, वेंटिलेटर का इंतजाम कर लिया, ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, चिंता मत करो 6600 बेड्स का इंतजाम कर लिया। लेकिन अगर किसी के घर में कोई कोरोना का मरीज हो तो वो कहाँ जाए, उसे नहीं पता कि कौन से अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, उसे नहीं पता कौन से अस्पताल में कितने वेंटिलेटर खाली हैं। कुछ मामले आए जिसमें कुछ लोगों को धक्के खाने पड़े, जानकारी का अभाव था, एक तरफ बेड खाली हैं और दूसरी तरफ लोगों को पता नहीं है। तो इसके लिए मैं पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया था, एक ऐप बना रहे हैं, ऐप बन गया है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, परसों सोमवार को उस ऐप को लॉन्च करेंगे। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, उस ऐप में आपको एक 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 अस्पताल का डेटा मिलेगा कि इस अस्पताल में टोटल इतने बेड हैं, इतने खाली हैं, इस अस्पताल में टोटल इतने वेंटिलेटर हैं, इतने खाली हैं। अगर किसी के भी घर में कोई बीमार हो तो आपको पता है कि किस अस्पताल में बेड खाली है और किस अस्पताल में वेंटिलेटर खाली है, आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं है, आप उस हिसाब से उसी अस्पताल में जाओगे। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, वेबसाइट वेब पेज भी बना रहे हैं, और एक हेल्पलाइन 1031 जो है उसके ऊपर भी ये वाली सारी जानकारी आपको मिल जाया करेगी। तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि आपको इधर उधर कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मेरी सब लोगों से ये निवेदन है कि गंदी राजनीति के चलते कुछ लोग भ्रमित करने वाले वीडियो बनाते हैं। वीडियो कहीं और का है, आज सुबह से कोई एक वीडियो चला रखा है कि देखिए कितनी लाशें हैं दिल्ली के अस्पताल में, वो पता चला कहीं और का है, दिल्ली का है ही नहीं। कल किसी ने चला दिया कि देखो दिल्ली सरकार के अस्पताल में कितना गंदा खाना, वो पता चला दिल्ली सरकार का अस्पताल ही नहीं था, कोई और अस्पताल था, किसी और का अस्पताल था, दिल्ली सरकार का था ही नहीं। तो एक तो मेरी लोगों से, जो भी लोग ऐसा करते हैं उनसे निवेदन है, देश इस टाइम बहुत मुश्किल अवस्था से गुजर रहा है, इस वक्त अपने को सबको राजनीति छोड़ के एक साथ मिलके देश के लिए काम करना है। इस किस्म की गंदी राजनीति ठीक नहीं है, ये अपने देश को कमजोर करती है, अपने समाज को कमजोर करती है, अपने लोगों को कमजोर करती है, व्यवस्था को कमजोर करती है।
जब ये कल वीडियो आया कि दिल्ली सरकार के अस्पताल में खाना अच्छा नहीं है, मैंने फोन किए सब जगह MS वगैरह को, इसको मैं पता करो ये क्या है, उनका मनोबल टूटता है। वो कहते हैं जी हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और फिर भी हमारे बारे में इस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो डॉक्टर जो नर्स इतना आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, आज दिल्ली के अंदर दिल्ली के डॉक्टर्स दिल्ली के नर्सेज ने इतनी मेहनत करके दिल्ली के अंदर डेथ के फिगर को, मौत के आंकड़े को इतना कम रखा हुआ है, और आप एक किसी और देश का किसी और शहर का वीडियो चला के कहते हैं दिल्ली में लाशों का ढेर। सोचो उनके मन पे क्या गुजरती है, उनकी मेहनत का हम एक तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, और अगर आपको ऐसा कोई वीडियो दे तो आंख बंद करके उस पर भरोसा भी मत कीजिए। अक्सर कई सारे ऐसे वीडियो फर्जी चल रहे हैं, अगर कोई सच्चा वीडियो होगा मैं आपको भरोसा देता हूं उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, और हमने लिए हैं कि बहुत सारे ऐसे झूठे वीडियो भी चल रहे हैं।